बाकी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड, यानी कि होल स्क्वायर बनाकर गुणनखंड। अब होल स्क्वायर क्या होता है जिसको आप पूर्ण वर्ग बोलते हो, तो उसको मैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो पूर्ण वर्ग यानी कि होल स्क्वायर, जैसे आप समझते हैं होल स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, तो इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो किसी भी द्विघात जो आपको समीकरण दिया होगा या द्विघात जो आपको बहुपद दिया गया होगा उसका हमने क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्योंकि गुणनखंड करने की जो विधियां हैं वो साधारण विधि से नहीं निकलेगा, उसको निकालना पड़ेगा हमको पूर्ण वर्ग बनाकर, गुणनखंड निकालेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि पूर्ण वर्ग होता क्या है, पहले मैं आपको ये सिखा दूं, उसके बाद फिर हम चलेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड पे, यानी कि पहले पूर्ण वर्ग सीख लेते हैं उसके बाद गुणनखंड निकालना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। तो बच्चों आपके सामने मैंने लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग यानी कि होल स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला आपने पढ़ी लिया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को पूर्ण वर्ग बोलते हैं। और यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आज हम इसी को निकालना सीखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकलता कैसे है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक बच्चों, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले ये तो समझ लें कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। अब जैसे देखो यहाँ पर आपको पता है, जैसे आप लिखा है 2 का स्क्वायर लिखा हुआ आपने, तो इस 2 के स्क्वायर को आप जनरली ऐसे लिखते हो 2 × 2 लिखते हो, या आपने 6 का स्क्वायर लिखा हुआ तो 6 × 6 लिखते हो, या आपने x स्क्वायर लिखा हुआ तो इसको x × x लिखते हो। तो यानी कि पूर्ण वर्ग को हम यानी स्क्वायर को हम इधर से गुणा करके लिखते हैं, तो आपको पता है। ठीक है, तो चलिए इसी बेस पर इसी तर्ज पर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी का जो ये होल स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम ले सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे मैंने लिखा था 2 स्क्वायर को 2 × 2, 4 स्क्वायर का 4 × 4, उसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, भाई दो बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको अब बारी बारी से आपको गुणा करना आता ही है, या जैसे हम गुणा करते हैं वैसे कर लो, जैसे आप जानते थे गुणा करना, आपको पता है ये a प्लस बी है और ये a प्लस बी, इसका आप जैसे गुणा करते हो ना, तो b का b के साथ हो गया b स्क्वायर, b का a के साथ, देखो ये प्लस ना प्लस चिन्ह है, b का a के साथ ba हो गया, ba या ab बोलो कोई बात नहीं, अब फिर प्लस फिर a का b के साथ ab और ए का ए के साथ ए स्क्वायर, इस पूरे को नीचे उतारो, ए स्क्वायर प्लस बी ए या ए बी, एक ही बात है, इसको चाहे ए बी बोलो या बी ए बोलो, ए बी बोलो या बी ए बोलो, बात एक ही। तो अगर मैं बी ए बी ए बोलूँ तो ये आएगा 2ba और प्लस ये बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम अगर ढंग से लिखो, पहले ए को लिखूँ फिर बी को लिखूँ फिर इसको लिखूँ, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2ab। तो आप देख रहे हैं ये आपका फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आपका दाएं साइड वाला था, राइट हैंड साइड वाला था। ठीक है बच्चों, ये है, या अगर ऐसा गुणा नहीं करते हैं तो आप पहले ए का ए के साथ, फिर ए का बी के साथ, फिर बी का ए के साथ, फिर बी का बी के साथ गुणा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, तो सेम ही चीज आएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि कहीं पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर कहीं पर आ रखा हो, इस फॉर्म में कहीं आ रखा हो, तो उसको हम सीधे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रखा हो तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक बच्चों, अब इसमें एक चीज और है, जैसे अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे रखा है, इसमें से मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके पास ये बी स्क्वायर नहीं, आपके पास सिंपल से है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी का आपको छोटा हुआ है, तो यानी कि आप पता है यहाँ पर बी स्क्वायर आता है, तो आपको आपने देख लिया कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें क्या है, बी की जगह बी है तो यहाँ पर बी आएगा, अगर यहाँ पर बी की जगह 4 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा, बी की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर आएगा, यानी कि इसी फॉर्मूले को मैं देख करके आपने बी वाला कंपोनेंट लाना है, बी वाला पार्ट लाना है। इसी प्रकार से अगर ए नहीं दिया हुआ तो यहाँ देख करके आपको ए लाना है,
इसी ढंग से अगर टू ए बी वाला पार्ट नहीं दे रखा होगा तो इसको और बी को देकर के आपको टू का गुणा करना पड़ेगा और टू से भाग भी करना पड़ेगा और फिर ए भी रखना पड़ेगा। वो जब मैं आपको सवाल बताऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया आज पूर्ण वर्ग क्या होता है। यहाँ पर आपका बी स्क्वायर था ये, कि क्या होता है पूर्ण वर्ग, क्या होता है, कैसे निकल जाता है। तो इसी वही सवाल जो मैंने शुरू में लिखा था कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, यानी कि किसी भी बहुपद को यानी कि पॉलिनोमियल आपको दिया गया होगा उसके गुणनखंड हम निकालने हैं पूर्ण वर्ग बना के, यानी कि इस वाले फॉर्मेट रखना है, इस वाले फॉर्मेट में या इस वाले फॉर्मेट उसको हमने रखना है, तब उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक सवाल पे, एक बहुपद पे, जहाँ पर कि हम पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। तो बच्चों आपने अभी मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मैंने बता दिया, कि यह आपको मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसमें एक चीज़ और भी है आप ध्यान रखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है, ये भी सेम होता है पर यहाँ पर माइनस टू ए बी होता है। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकलते कहाँ से मैं बाद में एक कभी नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे आते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीन फॉर्मूला आपने याद रखने, बेसिक फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड, हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, तो उन फैक्टर्स में फैक्टर निकालने के लिए इन तीनों फॉर्मूलों का कहीं ना कहीं पर क्या उपयोग आएगा, चाहे वो ये आएगा या तो ये आएगा और फिर लास्ट में ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो, नोट कर लो, चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये कहीं पर नोट कर लो और याद रख लो। और बाकी अब मैं एक यहाँ पर एक पॉलिनोमियल यानी कि एक बहुपद लिखूंगा और उसका क्या निकालूंगा, पूर्ण वर्ग इन विधियों से क्या निकालूंगा, गुणनखंड निकालूंगा। अब जाहिर सी बात है पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो दो मूल निकलेंगे उसके, दो गुणनखंड निकलेंगे, तो वही मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो आइए सीखते हैं कैसे पूर्ण वर्ग बनाकर हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों आपके सामने है एक बहुपद दिया गया है 2x² + x - 4, इसके हमने पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने का मीनिंग हो गया कि वही जो फॉर्मूले आपने तीन फॉर्मूले बनाए थे, तो पहले के जो दो फॉर्मूले पहले उस रूप में बना रहा हूँ, क्योंकि पूर्ण वर्ग वही है। पहले के जो दो फॉर्मूले थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्म में लाना है। वो सॉल्व करने के बाद लास्ट वाला जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, उस फॉर्मूला के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, देखो ध्यान से देखिए आप, इस 2x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लग सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस यहां पर ये x है, माइनस 4 हम बाद में देख लेंगे जो हमने आप रखा उस छोड़ो। अब यहां पर आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि a या ये वाला पार्ट है ये ए स्क्वायर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है ये टू ए बी वाला पार्ट है, इसको किसने के लिए टू ए बी वाला पार्ट में टूटेगा, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर नहीं तो बी स्क्वायर वाला पार्ट तो हो ही सकता है, तो बचेगा सिर्फ क्या टू ए बी वाला पार्ट बचेगा, यानी ये टू ए बी वाला पार्ट, यानी अब टू ए बी यानी कि टू तो है यहाँ पर जाएगा टू ए, ए की जगह आपके पास है अंडर रूट टू इंटू एक्स, टू ए हो गया। बी कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बी भी चाहिए होता ना, तो बाद हम बी स्क्वायर कर देंगे, तो बी निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ऐसी चीज गुणा करेंगे कि गुणा करने पर सॉल्व करने पर सिर्फ एक्स बन जाए, तो अंडर रूट टू भी है और टू भी है, हमने ये दोनों यहाँ से घटाने हैं, ये दोनों हटाने तब जो एक्स बचेगा, यानी यहाँ पर ये है, तो यानी कि इसी में हम क्या करेंगे टू इंटू अंडर रूट टू को क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो जब इसे पूरा कट जाएगा ये तब जो एक्स बचेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया ये बी वाला पार्ट हो गया, तो यानी कि इसी बी वाले पार्ट को क्या करेंगे एक बटे दो अंडर रूट दो को हम जोड़ भी देंगे, स्क्वायर का जोड़ भी देंगे
और इसको हम क्या करेंगे माइनस भी कर देंगे भाई, ठीक है योगी। और बाकी माइनस चार तो वहां और थाई पहले हमारे पास, ठीक है ये हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए यहां पर देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ये बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए की जगह आपका जाएगा अंडर रूट टू एक्स प्लस बी की जगह आपका आ जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, ये हो गया ना। तो अभी आपका बचा एक बटे दो अंडर रूट दो का होल स्क्वायर और माइनस चार, तो अंडर रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर माइनस ये ए का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार इंटू ये अंडर रूट दो, दो हट जाएगा चार दो आठ हो जाएगा माइनस चार, ठीक है। तो अब देखिए अंडर रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट टू माइनस एक बटे आठ माइनस चार, इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, आपको शायद दिखाई देंगे तो मैं थोड़ा आगे से लिख दूं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका अंडर रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट टू ऐसे रहेगा माइनस ये आठ चौक बत्तीस, अब बत्तीस और एक तैतीस माइनस तैतीस बटे आठ हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए आप ये मैंने ऐसे लिख दिया, अब इसको ध्यान से देखिए अंडर रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, ठीक है माइनस अभी तैतीस बटे आठ है, इस पूरे तैतीस बटे आठ को मैं लिख सकता हूँ तैतीस अंडर रूट तैतीस बटे आठ का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो सेम चीज। अब आप ध्यान से देखिए ऐसे करने के बाद क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो लास्ट वाला फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये वही चीज है आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसको कैसे लिखना, आप देखिए ये ए हो गया पूरा, ये ए हो गया प्लस बी, यानी कि प्लस बी तो बी की जगह पूरा है अंडर रूट तैतीस बटे आठ, ये एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ए जब आपका ये है ये ए है और माइनस अंडर रूट तैतीस बटे आठ, ये दो ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट हो गया एक ब्रैकेट हो गया, यानी कि इस पॉलिनोमियल के इस बहुपद के गुणनखंड है दिस वन एंड दिस वन। तो आपने देखा कि इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने वाले सवालों में क्या होता है, हमारे पास पूर्ण वर्ग के दो फॉर्मूले, एक तो ये हो गया ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में ले आते हैं और फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म के कारण हम दो गुणनखंड उसके निकाल लेते हैं जो कि ये दो गुणनखंड में निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने का आप लोगों के समझ में आ गया होगा, कोई अगर डाउट है आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं फ़ोन नंबर डायरेक्ट इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि बहुत सारी कॉल आती है फिर मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता इतना अटेंड करने का, तो बेसिकली मैं ईमेल आईडी मैंने लिखा हुआ अपने उस अकाउंट में, आप चाहो तो वहाँ से मेरी ईमेल आईडी पे आप तुरंत ईमेल लिख सकते हैं अपने सवाल को, पूरा हिंदी में लिखना है हिंदी में चाहो इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिख सकते हैं आप सवाल, तो मैं उस पर एक वीडियो बना आपको दे दूंगा। और छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आपको तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी पसंद आएगा, तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एक बहुत जल्दी मैं आप एक नए वीडियो के साथ आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और उस पर फोकस कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।